हाय, आप सभी का स्वागत है होम एंड मचमोर में। एवरी मंथ आने वाले पीरियड्स अपने साथ पेन और डिस्कम्फर्ट लेकर आते हैं। हॉट बैग्स ऐसे में रिलीफ देती है, लेकिन हॉट बैग्स बल्की होती है, इजी टू कैरी नहीं होती है और इन्हें आप हैंड्स फ्री ऑपरेट नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज करने के बाद मुझे लगा कि काश ही मुझे पहले मिली होती। चलिए देखते हैं एवरीव का मेंस्ट्रुअल बेल्ट और इसकी सारी डिटेल्स। एवरीव इलेक्ट्रिक मेंस्ट्रुअल बेल्ट आता है रिचार्जेबल बैटरी के साथ। ये मेंस्ट्रुअल बेल्ट दिखने में भी काफी स्लीक और स्टाइलिश है। मेंस्ट्रुअल पेन और डिस्कम्फर्ट के टाइम पे ये काफी अच्छा रिलीफ देता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मेक। तो ये काफी स्लीक है, एर्गोनॉमिक इसके डिजाइन है, स्लाइट कर्व होने की वजह से ये एब्डोमेन पे काफी अच्छे से फिट हो जाता है। इसके नीचे की तरफ कुशनिंग दी गई है और फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है, तो आप सीधे इसे अपनी स्किन पर भी यूज कर सकते हैं। ये आता है एडजस्टेबल सॉफ्ट इलास्टिक बेल्ट के साथ। बेल्ट पर दिए गए बकल से आप इस बेल्ट की लंबाई कम ज्यादा कर सकते हैं। बेल्ट काफी सॉफ्ट है और स्ट्रेचेबल है, जिस वजह से ये काफी अच्छे से एब्डोमेन पे फिट हो जाता है। बेल्ट के एक तरफ दिए गए इस बटन को प्रेस करके आप बेल्ट को ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा करके आप इसे अपने एब्डोमेन के अराउंड पहन सकते हैं। ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। अब देखते हैं इसके फंक्शंस। ये आता है 3 वाइब्रेशन मसाज मोड्स के साथ और 3 लेवल की हीटिंग के साथ। ऑन करने के लिए बटन को डबल प्रेस करें। सिंगल प्रेस से आप 3 मसाज मोड्स में से अपने हिसाब से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे बंद करने के लिए आप लॉन्ग प्रेस करके रखें। इसी प्रकार से आप टेम्परेचर वाले बटन को भी डबल प्रेस से ऑन कर सकते हैं और जितना आपको टेम्परेचर सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी लॉन्ग प्रेस करके आप बंद कर सकते हैं। एक ही समय पर आप हीटिंग और वाइब्रेशन मसाज मोड दोनों को ऑन कर सकते हैं और दोनों की सेटिंग्स भी बदल सकते हैं। ये मेंस्ट्रुअल बेल्ट ऑटो शट ऑफ के साथ भी आता है। इसके साथ ये यूएसबी केबल भी मिलती है, जिसे यूज करके आप इसे चार्ज कर सकते हैं। पूरी तरह से चार्ज होने के बाद इसकी बैटरी टोटल 5 आवर्स तक चल सकती है, तो आपको बार बार भी इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी आसानी से ये पर्स और हैंडबैग में भी आ जाता है, तो आप इसे ट्रैवल के टाइम भी अपने साथ रख सकते हैं। इसे यूज करना बहुत आसान है। इसे आप अपने टी शर्ट या टॉप के ऊपर या फिर अंदर लगा सकते हैं। बेल्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। जिस हिस्से में आपको ज्यादा पेन हो रहा है वहां पर आप इसे पोजीशन कर लें। बटन को डबल प्रेस करके आप ऑन कर लें। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर सेटिंग सेलेक्ट की है अपने हिसाब से। आप चाहें तो इसके साथ में ही वाइब्रेशन मसाज मोड को ऑन रख सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। आप दोनों को साथ में या फिर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन एक बार में शुरू रख सकते हैं। इसे एक समय पर 15 मिनट से ज्यादा ना यूज करें। जब भी आपको इस बेल्ट की जरूरत पड़े आप इसे लगाकर यूज कर सकते हैं। इसे लगाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने ऑफिस का, स्कूल का या फिर कॉलेज का काम करते हुए भी आप इस बेल्ट को यूज कर सकते हैं। सोफे पर या फिर बेड पर भी बैठे हुए आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर है या फिर ऑफिस का काम कर रहे हैं तो अपने टॉप के नीचे या फिर कुर्ती के नीचे भी इसे यूज कर सकते हैं। ये काफी स्लीक है। पीरियड्स के टाइम लोअर बैक में भी काफी पेन होता है, ऐसे में आप इसे अपनी लोअर बैक पर भी यूज कर सकते हैं और आसानी से इसे ऑन ऑफ या फिर इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एवरीव मेंस्ट्रुअल बेल्ट की डिटेल्स और इसे कैसे यूज करना है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब देखते हैं कि इसे यूज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बेल्ट को लगाकर आप सोए नहीं। अगर आपको इसे लगाकर लेटना है तो सो ना जाएं आप। इसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं ताकि आप टाइमली उठ जाएं और इसे बंद कर दें। इस बेल्ट को आप अपनी बॉडी के एक ही हिस्से पर ज्यादा देर तक ना रखें। आप ध्यान रखें अपनी स्किन का भी, ठीक उसी तरह जैसे हॉट बैग का भी यूज करते समय हम उसे एक ही जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रखते हैं। इसे किसी भी फायर सोर्स के पास यानी जहां पर आग है ऐसी जगह के आसपास यूज ना करें, जैसे कि आप इसे किचन में खाना बनाते समय यूज ना करें।
जिन्हें हार्ट की कोई कंडीशन या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी इसका यूज ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जिन्हें सर्विकल ट्यूमर है वो भी इसका यूज ना करें। स्किन पर अगर किसी भी प्रकार की जख्म है तब भी इसे यूज ना करें। गाउट के पेशेंट्स भी इसे यूज ना करें। आप मुझे बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। इसे यूज करके मुझे तो काफी रिलीफ मिल रहा है। एवरी मेंस्ट्रुअल बेल्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो या यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।